चुनाव लड़ने की आपने घोषणा करी है, क्या कुछ? बिल्कुल, चुनाव तो हम लड़ेंगे ही, क्योंकि मैंने हमेशा से ही बताया कि लोकतंत्र का हिस्सा हम बनना चाहते हैं, विधायिका का हिस्सा बनना भी उसका एक पार्ट है, तो हम चुनाव तो लड़ेंगे निश्चित तौर पे। मैं नामांकन पत्र भरूंगी। लेकिन जब आपने चुनाव इस्तीफा दिया था तब आपने वजह कुछ और बताई थी, क्या उसी समय तय कर लिया था कि आपको चुनाव लड़ना है, या फिर क्या स्थिति हुई कि आप कह रहे हैं मैंने आप? पहले ही बहुत विस्तार से बताया कि मैंने जिस समय इस्तीफा दिया था उस समय मैंने कारण लिख के दिए थे कि मुझे मेरे मकान के उद्घाटन में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। और जब मैंने पता किया इन 2-3 महीनों में, तो मुझे मालूम चला कि ये सब राजनीतिक कारणों से हो रहा है। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि इस देश में अच्छी व्यवस्था बनी रहे, और व्यवस्थाएं बनती है अधिकारियों से और हमारे जनप्रतिनिधियों से। अधिकारी रह के मैंने देख लिया, राजनीतिक मंशा अगर अच्छी हो तो अधिकारी भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि अब मैं विधायिका में जाऊंगी, और जो अन्याय मेरे साथ हुआ है उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, ताकि किसी और के साथ इस तरह का अन्याय ना हो। तो ये सब ग्रेजुअली हुआ है, और आज हम जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार लेकिन आपको हैं। क्या लगता है, जिस समय आपको मना किया गया तो उस समय तो आप किसी राजनीतिक से नहीं थी, आप एक आईएएस हैं, आप पद पे थी, तो ऐसे अधिकारी के साथ जो सर्वोच्च पदों पे रहते हैं, वो जो पदों पदों पर पहुंचते, उन अधिकारियों के साथ भी आपको उस समय क्या, कहाँ से आपको लगा कि आपके साथ राजनीति हो रही है, वो क्यों लगा? बिल्कुल, क्योंकि मैं जहाँ पर मकान का उद्घाटन था वहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना होने जा रही थी, और चूंकि मैं उस क्षेत्र में पिछले 5 साल से हूँ, मेरी पोस्टिंग वहाँ 2018 से 2021 के बीच में रही है, लोगों के बीच छतरपुर नहीं आमला 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 लोगों के बीच में रही हूँ, जनता का स्नेह और प्यार मेरे साथ रहा है, तो लोगों ने ही मुझे एक ऑप्शन के तौर पे उस समय भी देखा था जब मैं वहाँ पर पदस्थ थी। इसीलिए मेरा ट्रांसफर फिर जगह जगह बार बार हो रहा था, क्योंकि वहाँ के जो माननीय थे उनको परेशानी हो रही थी। तो यही कारण रहा था, लोगों ने तो उसी समय से एक जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे चाहा था, लेकिन मैं उस निर्णय तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि मेरा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है इस तरह का। मैं सीख कर ही आगे बढ़ रही हूँ, पढ़ लिख कर के अधिकारी बने। अधिकारी रहते हुए मैंने देखा कि जिस स्वतंत्रता के साथ मैं काम करना चाह रही हूँ, मुझे वो नहीं मिल पा रही है। और फिर हद तो तब हो गई जब मुझे मेरे घर के उद्घाटन में अनुमति नहीं दी गई, तो तभी मैंने अपना इस्तीफा दिया, और ग्रेजुअली फिर हम यहाँ बढ़े। मैं किसी राजनीतिक दल से कभी जुड़ी नहीं रही जी, मालूम था। किसी पार्टी से आपकी बातचीत हुई? कांग्रेस ने कुछ लंबे समय तक आपके लिए सीट रोक के रखी थी, कि अंदर कांग्रेस से कांग्रेस की बात है, अम्बला की सीट रोक रखी थी। देखिए, जब मैं ये संघर्ष कर रही थी तब कांग्रेस ने मुझे साथ देने की बात करी। जब मेरी गिरफ्तारी हुई तब भी कांग्रेस के नेता मेरे साथ थे, और उन्होंने फिर मुझे आश्वासन दिया था कि हम अंतिम के 2 दिन तक इंतजार करेंगे आपके इस्तीफे का। तो आज मैं कमलनाथ जी से मिलना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहूंगी कि आपकी तरफ से ये मैसेज था मेरे पास में, तो अब आप बताइए आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि मैं, मेरा इस्तीफा हो चुका है, आज मैं स्वतंत्र हूँ जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, तो मैं तो अपनी लड़ाई जारी रखूंगी, लेकिन आपने जो प्रॉमिस किया था उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। कांग्रेस अगर टिकट नहीं देती तब आप? हम तो जनता के लिए काम करेंगे, अगर जनता कहेगी कि निर्दलीय लड़िए या इस पार्टी से लड़िए, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। जैसा जनता कहेगी, जो जनता का आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगी। तो चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ूंगी मैं। आपको लगता है कि कौन